योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल में इस बार भी प्रयागराज के नंद गोपाल नंदी ने अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रयागराज के बहादुरगंज के रहने वाले मंत्री नंदी का सियासी सफर भी किसी फिल्म की तरह है। नंदगोपाल नंदी का जन्म 23 अप्रैल 1974 को हुआ था। उनके पिता सुरेश चंद्र डाक विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। माँ सिलाई बुनाई का काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते नंदी हाई स्कूल तक ही पढ़ाई कर सके। घर की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उन्होंने काफी कम उम्र से ही छोटे मोटे व्यवसाय करने शुरू किए। मसलन बोरे बेचने की दुकान, रंग गुलाल पटाखों की दुकान भी लगाई। बाद में साल 1994 के बाद आर्थिक रूप से जब थोड़े सुदृढ़ हुए तो नंदी ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई और आज नंदगोपाल कई कंपनियों के मालिक हैं अपनी मेहनत के दम पर। नंदी ने कभी नहीं सोचा था कि वो सियासत के काबिल हैं, लेकिन साल 2007 में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और बीएसपी के टिकट पर प्रयागराज दक्षिणी से चुनाव लड़ा और बीएसपी के टिकट पर प्रयागराज दक्षिणी से चुनाव जीत भी लिया। बीएसपी की सरकार में मंत्री भी बने। उधर साल 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी के हो गए और इस बार भी जीत दर्ज कर कैबिनेट मंत्री बनने में कामयाब हुए। उधर साल 2022 में बीजेपी ने नंदी पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए प्रयागराज दक्षिणी सीट से टिकट दिया था। इस बार भी नंदी भारी मतों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए। साल 2022 में मंत्री बनाए गए नंदगोपाल नंदी का बहुत तेजी से राजनीति में खत भी बढ़ा। नंदगोपाल नंदी पर मंत्री रहते हुए रिमोट बम से हमला भी किया गया था। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बचे। लंबे संघर्ष, मेहनत और बेदाग सियासत को आधार मानकर लगातार जीत दर्ज करने वाला ये लोकप्रिय और कद्दावर चेहरा इस बार भी योगी के मंत्रिमंडल में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।